तो गाइस यहाँ पर WWE का एक नया और यहाँ पर लव ट्रायंगल स्टार्ट हो चुका है, वो रिया रिप्ले और जे उसो के बीच। हालांकि इससे पहले भी एक लव ट्रायंगल चल रहा था, वो चल रहा था डोमिनिक मिस्टेरियो और लिव मॉर्गन के बीच। पर गाइस यहाँ पर रिया रिप्ले का रिटर्न करते ही जे उसो ने उनको अपने ट्रायंगल में फंसा लिया है। अब यहाँ पर उन्होंने ये इशारा करते हुए कहा कि उनके पास उनका नंबर है जे उसो का। तो गाइस ये सब स्टार्ट होता है इस बार मंडे नाइट रॉ से, जहाँ रिया रिप्ले का ऑफिशियली रिटर्न देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पर जैसे ही रिया रिप्ले का रिटर्न होता है और यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो के बिहेवियर में काफी चेंजेस दिख रहे थे यहाँ पर लिव मॉर्गन के प्रति, तो यहाँ पर मामी नाराज हो जाती है उनसे। उसके बाद गाइस यहाँ पर जे उसो यहाँ पर चैलेंज कर देते हैं मिस्टेरियो को फाइट करने के लिए, तो यहाँ पर मिस्टेरियो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं जे उसो का चैलेंज। और तभी गाइस ये मैच चल ही रहा होता है, पीछे से आकर रिया रिप्ले डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे कि इस मैच को काफी आसानी से जीत जाते हैं जे उसो। और गाइस ये सब देखकर यहाँ पर जे उसो को काफी अच्छा लगता है कि यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो को किस प्रकार यहाँ पर रिया रिप्ले इग्नोर कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर इशारों में इनको कॉल कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर आगे चलकर एक रिपोर्टर ने पूछा रिया रिप्ले से क्या उनके पास सच में नंबर है जे उसो का, तो यहाँ पर रिया रिप्ले का जवाब आता है ये, यानी कि गाइस जे उसो जो कि उनका फेवरेट शब्द है वो हर मैचेस में अपना इस शब्द का प्रयोग किया करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर जे उसो ने ऑफर भी किया था रिया रिप्ले को डेट के लिए। और गाइस यहाँ पर सच में जे उसो ने जाकर उनकी टीम से यानी कि जजमेंट ने से पूछा भी था क्या सच में यहाँ पर रिया रिप्ले सिंगल है। और गाइस ये सब देखकर जे उसो का और रिया रिप्ले का लव ट्रायंगल देखकर यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्होंने इस बार यहाँ पर रिंग में अटैक भी कर दिया था जे उसो के ऊपर कि वो मामी केवल उनकी हैं, जे उसो उन पे नजर न डाले। अब देखना ये होगा कि आखिर अगला स्टेप क्या होगा जे उसो का और डोमिनिक मिस्टेरियो का एक दूसरे के प्रति। ये WWE का नेक्स्ट स्टोरी लाइन जो है वो काफी ज्यादा ही रोमांटिक लग रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर अगला स्टेप इसका क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ से लिव मॉर्गन ने यहाँ पर काफी पूरी तरह से फंसा रखा है डोमिनिक मिस्टेरियो को, जिससे कि रिया रिप्ले देखकर उनको जल रही है। वैसे गाइस इनमें से आपको कौन सी स्टोरी लाइन बढ़िया लग रही है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो वेल गाइस इस बार समरस्लैम में यहाँ पर जजमेंट डे का काफी पूरी तरह से ब्रेकअप होने वाला, जहाँ सारे रेसलर एक दूसरे अपने अपने डायरेक्शन में हो जाएंगे।